Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on my own channel. So, बहुत अरसे से मैं ये सोच रही थी कि मैं एक podcast type कुछ शुरू करूँ, एक वीडियो का session, एक series, जिसमें कुछ ideas हैं, कुछ बातें हैं जो मैं करना चाहती हूँ. और पता नहीं कुछ 6 महीने हो गए मैं करना चाहती थी, बट वो हो नहीं पा रहा था. फिर एक दिन मैंने सोचा बस जहाँ मैं ऑफिस में बैठी होती हूँ, काम कर रही होती हूँ, मैं वहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं स्टार्ट कर रही हूँ. लेकिन मेरी टीम, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू अल्लाह फॉर हैविंग देम इन माई लाइफ, उन्होंने कहा नो, ऐसा नहीं हो सकता, आपको ये डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड होना चाहिए. तो उन्हीं के इंसिस्टेंस पे ये बैकग्राउंड आया, ये सब कुछ आया. अभी सोफ़ा हम चेंज करने का सोच रहे हैं. हुज़ैफ़ा वाज़ नॉट हैप्पी विद द सोफ़ा, मनसब इज़ नॉट हैप्पी विद द लाइटिंग. तो चल रहा है, दे आर हेल्पिंग मी इम्प्रूव द ओवरऑल थिंग. सो बस ये एक जर्नी है. एंड यू गाइज नो मी, जो मुझे फॉलो ऑलरेडी करते हैं, कि मैं बड़ी बेसिक हूँ, बड़ी यू नो ओरिजिनल तो आई मीन आई एम ऑनेस्ट. तो मैं आप लोगों को जर्नी बता रही हूँ, हो सकता है कुछ अर्से बाद कूल सी टेबल यहाँ नजर आए, सोफ़ा चेंज हो जाए. आई विल ट्राई कि इसको मैं रखूँ, मैं मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मे बी कलर चेंज कर लूँ. सो या, सो आई एम रैम्बलिंग ऑल्सो, बट दिस इज़ हाउ दिस इज दिस video or this podcast is going to be a little bit of rambling and a little bit of some ideas that I feel conversations honi chahiye. This is my attempt to start some conversations to change the mindsets of women especially and men actually also, everyone around us. So let's see ke kitni main kamyab hoti hu nahi. So sabse pehli baat, jo again I'm feeling a little conscious saying that, but I will say it, कि वो कहते हैं कि जिस महफिल में अल्लाह का जिक्र नहीं हो तो उसमें बरकत नहीं होती, और जिस महफिल में हो तो उसमें बहुत बरकत होती है. तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक श्योर कि मैं जब भी कर रही हूँ पॉडकास्ट या बात, तो मैं उसमें अल्लाह का जिक्र ज़रूर लेकर आऊँ. दुआ, बहुत से लोग कहते हैं हमसे दुआ नहीं मांगी जाती, हमें समझ नहीं आती हम क्या दुआ मांगे. तो मुझे लगता है दुआ मांगने की एबिलिटी के लिए भी दुआ मांगनी चाहिए. अगर आप ज़िंदगी की स्टेज पर हैं जहाँ आपको लगता है कि यार मेरा दिल नहीं चाहता दुआ मांगने को, मैं मायूस हूँ, मैं यू नो आई एम सैड, आई एम डिप्रेस्ड, मैं होपलेस हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस हैं, मैं दुआ मांगती थी या मांगता था मगर दुआ कबूल नहीं होती, इट्स ओके टू हैव ऑल दीज फीलिंग्स. क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं, और हम इस सब से गुजरते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप दुआ मांगना नहीं छोड़ें. जब आप दुआ मांगते हैं, आपका अल्लाह से कनेक्शन होता है, आप अल्लाह से बात करते हैं, और आपको नहीं पता किस वक्त आपकी कौन सी दुआ कबूल हो जाए. और दुआ ना मांगना, मुझे लगता है कि आप ये यकीन नहीं रखते कि अल्लाह आपकी बात सुन रहा है. सो आप अगर दुआ नहीं मांग पा रहे हैं, तो इस बात के लिए भी दुआ मांगिए कि अल्लाह मुझे दुआ मांगने की तौफीक अदा कर दे. लाइक राइट नाउ जस्ट गो एंड मेक दिस दुआ कि अल्लाह प्लीज़ आई रियली वॉन्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू, गिव मी द एबिलिटी टू मेक अ दुआ, मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे प्लीज़ इतनी हिम्मत दे दें कि मैं दुआ कर सकूँ, मुझे इस तात, मुझे ये एबिलिटी दे दें टू कीप प्रेइंग. तो मैं तो दुआ को अपना हिस्सा बनाइए ज़िंदगी का. मैं कोई एक लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें वो इतनी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली. उन्होंने कहा कि वो रोज़ रात को आके बैठते हैं जानमाज़ पे या जो भी उन जिधर भी, एंड दे हैव अ कॉन्वर्सेशन विद अल्लाह, कि वो अपना पूरा रिकॉल करते हैं दिन में क्या क्या हुआ, कि अच्छा मैं आज ऑफिस गया था या गई थी तो ये हुआ, उसने मुझे ये कहा, और मैंने खाना खाया तो मे बी मुझे ये हुआ, और मैं मीटिंग में ये. दे हैव दिस 15 मिनट या जितनी भी देर की कॉन्वर्सेशन विद अल्लाह टॉकिंग अबाउट द डे. तो मुझे ये आइडिया इतना अच्छा लग रहा था, इतना यूनिक लग रहा था, और फिर मैंने सोचा मैं ये करूँगी, बट मैंने एक दो दिन किया फिर मैं भूल गई. यू नो आप नमाज़ पढ़े होते हैं, फिर आप कहते हैं ये काम करना है, वो काम करना है. सो बट ये एक आइडिया है, अगर किसी को ये यूज़ करना है. बहुत दफ़ा हमें लगता है हमारी बात कोई समझ नहीं रहा है, हमारे पास कोई है नहीं. मुझे तो ये भी लगता है किसी कि हम कितनी बार किसी को अपना दुख सुनाएंगे, दूसरे लोग भी तंग आ जाते हैं कि यार कितने दुख हम सुनेंगे. तो उससे बेहतर हम अल्लाह से डायरेक्टली बात कर लें. सो यस, दैट्स अनदर आइडिया, कि एट द एंड ऑफ द डे आप अपना पूरा दिन रिकलेक्ट करें और अल्लाह को उसके बारे में बताएं. नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, खैर ये नहीं कहना चाहिए, मेन टॉपिक तो अल्लाह का था. कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ माई वीडियो पॉडकास्ट, आई हैव नो आइडिया इसको पॉडकास्ट बोलूँ, इसको वीडियो बोलूँ, सब लोग पॉडकास्ट कहते हैं. खैर सो ये बस राबिया की बातें. मैं अपने आस पास औरतों को देखती हूँ, और जो सिंगल हैं, जिनकी डाइवोर्स हुई हुई है, या जो बेवा हैं, और इस वक्त मैं अल्लाह ताला से दुआ करी हूँ कि मैं अपना अपनी बात एक अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ. ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत सिस्टम है हमारा जॉइंट फैमिली का, कि हमारे यहाँ अगर कोई भी एक फ़र्द फैमिली का गिरे तो दूसरी पूरी फैमिली उधर है उसको उठाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए. और ये अल्लाह ताला की नेमत है, ये बहुत खूबसूरत सिस्टम है. एंड मैं उस सिस्टम के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ. आई थिंक दैट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर सोसाइटी, दिस जॉइंट फैमिली सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन मुझे लगता है कि जब एक औरत है जिसकी ज़िंदगी में कोई और मर्द नहीं है, या जिसकी ज़िंदगी में बच्चे, चले बच्चे भी हैं,
शादी नहीं है उसकी भी, ठीक है, वो सिंगल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको एजुकेट करें, हम उनको इंडिपेंडेंट करें फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हम उनको फैसिलिटेट करें। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई लड़की जिसकी शादी नहीं हुई बहुत अरसे तक, तो अपने घर में अपने भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रह रही होती है, किसी की डाइवोर्स हो गई है, कोई बेवा हो गई है, तो वो वापस आके अपने बच्चों के साथ या खुद अकेली भी है तो आके अपनी फैमिली के साथ रहना शुरू जाती है, विच इज़ ओके, और बहुत सी केसेस में शादी भी हो जाती है। पर मुझे लगता है कि आप उनको साथ रख लें या अलहदा रख लें, ये डिपेंड करता है हालात क्या हैं, डिपेंड करता है वो खातून ख़ुद कितनी मजबूत है या नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, कि वो अपने डिसीजंस खुद ले रही हों, कि वो अपने काम खुद कर रही हों, क्योंकि शुरू के एक साल दो साल सब लोग करेंगे, बहुत करेंगे, उसके बाद ये एक थकावट हो जाती है। और मैं किसी को ब्लेम नहीं करी, बहुत केसेस में नहीं भी होता, बहुत केसेस में हम बहुत बुरे बुरे केसेस, बहुत बहुत बुरे हादसात का भी सुनते हैं। तो एज अ इंसान मैं कहती हूँ, हम कभी भी किसी के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हों, हम कभी भी किसी के लिए एक बोझ या नूसेंस या हादसा क्यों बन जाएं। हमारे अंदर अपने अल्लाह ने इतनी कैपेबिलिटी दी है कि आप आगे बढ़ें। सो जब कोई ट्रेजिडी होती है, मुझे पता है उस वक्त आपके इतना सा होता है ना कि आपने ये इंटरव्यू था नहीं हुआ, ये चीज़ ये जॉब होनी थी नहीं मिली, आप बहुत डिप्रेस होते हैं, आप बहुत सैड होते हैं। तो जब ज़िंदगी में एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाए, इतना बड़ा चैलेंज आ जाए इन टर्म्स ऑफ डेथ या डाइवोर्स, तो आपकी बहुत बुरी हालत होती है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट कि उस वक्त अपने आप को मजबूत करके आप एजुकेट करें, अगर एजुकेशन नहीं है आप जॉब करें, अपने अंदर कोई स्किल ऐड करें, इवन अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, बहुत से केसेस में इतना पैसा होता है लोगों के पास कि उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी अपने आप को बिज़ी रखें किसी और चीज़ में, अपना कोई कोर्स करें, कोई वॉलंटियर करें, क्योंकि इवेंचुअली ये सब आपको मेंटली हेल्दी रखेगा, स्ट्रॉन्ग रखेगा, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। अपनी एक्टिविटीज़ खुद क्रिएट करें। मतलब मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि आप एक घर में हैं और आपके भाई बहन या आपकी भाभी या भाई या आपकी कोई भी घर के अफराद जो हैं वो डिनर के लिए जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ओ अच्छा ये भी हमारे घर में, ये अकेली रहती हैं, ओ इनको भी साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम साथ लेके नहीं जाएंगे तो इन्हें बुरा लगेगा। आई जस्ट डोंट वॉन्ट एनी वन टू थिंक अबाउट दिस अबाउट यू। सो इट्स, तो अगर आपकी शादी नहीं भी हुआ है, बहुत अरसा हो गया, शायद आप शादी नहीं भी करना चाहते, तो दैट्स ऑल्सो ओके, लेकिन इतना होना चाहिए कि आपकी अपनी लाइफ हो, आपकी अपनी एक्टिविटीज़ हो, आपका अपना फ्रेंड्स का सर्कल हो, आपकी खुद कुछ कमिटमेंट्स हो, शॉपिंग करने खुद जाइए, खाने पर अकेले चली जाइए। मुझे लगता है हमारे यहाँ ये भी बड़ी चीज़ है, हम किसी एक इंसान को रेस्टोरेंट में अकेले बैठे हुए देखें तो भी लाइक या तो ये किसी का वेट कर रहे होंगे या कुछ मसला है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा सा ये चेंज सोसाइटी में आना चाहिए। सो कमिंग बैक टू माई पॉइंट, और शायद मैं अभी इस बार इतने अच्छे से ये बात नहीं कर पा रही, और मैं थोड़ा सा बात शायद दोबारा इस पर एक वीडियो करूं, बट मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि अगर आप ज़िंदगी के उस स्टेज पे हैं जहां आपके पास आप किसी और पे डिपेंडेंट हैं, तो उस डिपेंडेंस को ख़त्म करने के लिए अभी से काम करना शुरू करें। और ये बात भी होता है कि लोग करना चाहते हैं, उनके हालात उनको इजाज़त नहीं देते, लाइक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उस पर मैं एक और वीडियो निकालूंगी। इस पर मैं उन सब की बात कर रही हूं जिनके ऊपर इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन वो खुद एफर्ट नहीं करी, या फिर हमारा गिवन सिस्टम है कि लड़की आ गई है तो घर वाले उसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल भाई बहन माँ बाप रिश्तेदार जितने भी आप फैसिलिटेट करें इन टर्म्स ऑफ मेकिंग हर इंडिपेंडेंट। और इसका मैं दूसरा पार्ट वीडियो का अलहदा करूँगी जिसपे वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन एल्स टू अंडरस्टैंड, भाई है, शौहर है, बाप है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने घर में जितनी खवातीन हैं उनको जब अच्छे हालात हैं तो इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि जब हालात अच्छे नहीं हों तो वो आपके बगैर भी सर्वाइव कर सकें। नाउ कमिंग बैक टू माई ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली अगर आपकी डिपेंडेंस है लोगों पे, किसी की ज़िंदगी मौत का हालात का कुछ पता नहीं होता, आज लोग हैं आपके पास ज़िंदगी में, कल हो सकता है नहीं हो, फिर आपका ख्याल कौन रखेगा, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। सो कल हो सकता है उनके आज फाइनेंशियल हालात बहुत अच्छे हों, कल नहीं हों, तो फिर क्या होगा। सो बस ये एक थॉट है कि अगर हम अपने आसपास जो ख़वातीन हैं, जो बेटियां हैं, कज़न्स हैं, बहनें हैं, बहुएं हैं, किसी भी कैपेसिटी में हैं, उनको एजुकेट करें, उनको जॉब्स करवाएं या उनको कोर्सेज कराएं या उनको वॉलंटियर वर्क दें, कोई एक चीज़ जो उनकी अपनी हो, जो वो ज़िंदगी में ख़ुद से कर रही हों, उनको उनके काम खुद करने दें, आप ले जाएं, उनकी हेल्प कर दें, बट डोंट डू देयर वर्क फॉर देम।
लेट देम डू देयर वर्क, ताकि उनको ज़िंदगी में लोगों से डील करना हो, कल आप हैं ना आए, हो ना हो, वो खुद से ये चीज़ें कर सकें, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, और एट द एंड ऑफ द डे दे फील कि एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है जब आप ये सब करते हैं. तो ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवेंचुअली जब दुख इतना ज़्यादा हो तो आप अपने आप को बिज़ी रखें, आप ऐसी चीज़ें करें हो जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करें, आपको लगे कि आपका ज़िंदगी में कुछ रोल है. आप सुबह उठ के चाय पी के ड्रामा देख के सोकर शाम को किसी रिश्तेदार के घर जाके, या दोबारा चाय पी के ड्रामा देख के टीवी देख के बुक देख के घर के कुछ काम करके नहीं सो जाएं. एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है, एक दिन दो दिन आप ये भी कर सकते हैं, बट जब व्हेन यू आर डीलिंग विद सच सिचुएशंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल टू कीप योर सेल्फ बिजी, टू कीप योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ओके एंड बी हेल्दी मेंटली एंड फिजिकली. और अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से रेस कर सकेंगे अगर आप अपने आप को किसी यूज़फुल चीज़ में इंक्लूड करेंगी. अगर आपके छोटे बहन भाई हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, अगर आपके बूढ़े माँ बाप हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, तो तब भी आप बेहतर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकेंगी. सो आई डोंट नो इफ आई वॉज एबल टू कम्युनिकेट माई मैसेज और नॉट. थोड़ा मेरी भी प्रैक्टिस हो गई, मैं भी थोड़ा कोशिश करूँगी कम बात करूँ, बट मुझे बातें करने का बहुत शौक है, मैं बहुत लंबा बोलती हूँ, आई नो, एक जुमले को चार जुमलों में बोला करती हूँ मैं. बट आई होप कि आज जिन लोगों ने भी ये बात सुनी है उनको कुछ आइडिया आया होगा. और एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं कि हम लोग वही लोग हैं जो जिनके साथ कुछ हो रहा है. अगर आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी है लेकिन आपकी फैमिली में या आपके आसपास ऐसी कोई लड़की या खातून है, तो आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं बाय मोटिवेटिंग हर, बाय शोइंग हर, बाय गाइडिंग हर कि यू मस्ट डू समथिंग, एजुकेट, एम्पावर योर सेल्फ, एड अ स्किल टू योर सेल्फ, रीड बुक्स. बस ये एक ख्याल था जो मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए, इसके ऊपर अमल दरामद भी करना चाहिए. तो आई होप आज की वीडियो से आप लोग ज़्यादा बोर नहीं हुए और कुछ इंटरेस्टिंग आपको मिला सुनने का. यू गाइज कैन शेयर योर व्यूज़ इन कॉमेंट्स और मुझे आइडियाज़ भी दे सकते हैं कि और किस किस्म के टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करते हैं, हमें बात करनी चाहिए. दैट इज़ ऑल, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.